तो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने जो इनपुट मास थे उसके साथ मैक्सिमम 3 सेक्शंस आप दे सकते हो। फर्स्ट सेक्शन में तो इनपुट मास इटसेल्फ मींस जो भी आप इनपुट मास अप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपका 1 या 0 आता है, तो उसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगी। 1 दोगे तो क्या होगा, 0 दोगे तो क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपका वो कैरेक्टर आ जाएगा जिसको भी आप इनपुट मास में शो करवाना चाहते हो एंट्री से पहले, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर ये सिंबल्स दे सकते हो। इसको चेंज करना हो तो अगेन आपको इस थर्ड सेक्शन में जो भी सिंबल आपको दे रहा है, मुझे परसेंटेज का सिंबल देना है तो मैंने परसेंटेज कर दिया, सेव कर लिया और अब देखो तो परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो जो भी आप कैरेक्टर दोगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। जब आप डेटा एंटर करोगे तो ये सिंबल हट के आपका डेटा है, करेक्ट। तो ये इस तरह से इसके 3 सेक्शंस होते हैं। अब थर्ड सेक्शन का मीनिंग तो पता चल गया आप लोगों को कि क्या होता है, अगर आप कैरेक्टर देना चाहते हो तो कैस किस तरह से दे सकते हो, कैरेक्टर्स को आपको चेंज करना है तो किस तरह से। बट अब सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं जो कि रिलेटेड है अपना थर्ड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। अब 1 का क्या मीनिंग है, सी इफ द सेकेंड सेक्शन इज सेट टू 0 द कैरेक्टर आर स्टोर्ड विद द डेटा एंड इफ इट इज सेट टू 1 द कैरेक्टर आर ओनली डिस्प्लेड एंड नॉट स्टोर्ड। अगर आप यहाँ पर 0 देते हो सेकेंड सेक्शन के अंदर, ये जो हमने दिया है यहाँ पर सेक्शन सेपरेट किससे है, सेमी कॉलम से, तो जो फर्स्ट सेमी कॉलम के बाद हमने लिखा है 0, उसको आप 1 भी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, दिखने में कुछ भी डिफरेंट नहीं लगेगा, कुछ भी आपको 1% भी नहीं लगेगा, वही सारा शो का स्टाइल है, वही इनपुट आएगा। बट चेंज कहाँ पर आएगा, इंटरनल चेंज आएगा। इंटरनल चेंज का मतलब अगर आप 0 देते हो यहाँ पर तो आपका ये जो कैरेक्टर है जो कि आप थर्ड सेक्शन में देते हो वो कैरेक्टर भी डेटा के साथ जो भी यूजर डेटा इनपुट करेगा उसके साथ स्टोर हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। और अगर आप 1 देते हो तो ये कैरेक्टर जस्ट शो होगा यूजर को एट द टाइम ऑफ इनपुट और स्टोर नहीं होगा, ओके। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है 0 देने में और 1 देने में। 0 इज यूज टू स्टोर द कैरेक्टर ऑल्सो एंड 1 इज यूज ओनली शो द कैरेक्टर एंड नॉट स्टोर इट इनटू द डेटाबेस। क्लियर? इफ यू राइट स्पेस कहां पर कैरेक्टर के अंदर बोल रहे हो आप कमलेश? स्पेस कहां पर बोल रहे हैं आप? थर्ड पार्ट, ओके। सामने सामने आपकी क्वेरी, ये मैंने स्पेस दे दिया, सेव किया, ठीक है। अब देखो वो खुद ही कर्सर को आगे लिया, दैट मीन्स वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। स्पेसेस तो ऑलरेडी शो कर ही रहा है बट स्पेस को ये एज अ कैरेक्टर चूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली आते हैं स्पेशल सिंबल्स, एज हो गया, आपका डॉलर साइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके जो नंबर की के ऊपर लिखे हुए सारे जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको ले लेता है बट स्पेस को ये नहीं लेता है, ओके। तो ये था कंप्लीटली अपना इनपुट मास, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक एग्जांपल देख लिए हैं। अब एक आप लोग क्यू बैंक में देखना ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ क्वेश्चंस होंगे तो उनको एक बार ट्राई करना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली आपको कितना आया है इसमें इनपुट मास। और एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप लोग को दे सकती हूँ ट्राई करने के लिए। जैसे कोई यूजर अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, अकाउंट नेम डालते हैं, जैसे हम लोग अपने नेम जीमेल आईडी की नेम रखते हैं, राइट, तो उसके लिए भी तो इनपुट मास्किंग होता है, राइट, कि उसमें आप अगर अकाउंट डिटेल डाल रहे हो तो उसके अंदर एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट खुद ही आ जाता है, कभी कभी हमको डालना ही पड़ता है, लेकिन @.com या डॉट जो भी है वो आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इनपुट मास्किंग होती है पहले से कि आपको किस टाइप का इनपुट उसके अंदर डालना है,
राइट, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ना अपने अकाउंट्स के साथ भी कि आप किस तरह का नेम रख सकते हो, किस टाइप का नेम नहीं रख सकते, तो इसमें भी आपको इस तरह का कुछ फॉर्मेट यहाँ पर बनाना है। अभी काम नहीं कर रहा है, एक बार आप ट्राई करना, इसमें गूगल में एक एग्जांपल देख लेना उसका। ईमेल अकाउंट के लिए एंट्री होनी चाहिए, एक पूरा फील्ड होना चाहिए जिसके अंदर की यूजर अपना जो भी उसका आईडी है वो डाले, ठीक है। आईडी, पासवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, आईडी की बात कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर यूजर ने सपोज अपना नेम ही नेम एंटर किया, @gmail या याहू कुछ एंटर नहीं किया, तो वो उसको नहीं लेना चाहिए। या फिर अगर उसने @gmail याहू के अलावा कुछ और डाला तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे इस तरह से। अभी तो खैर इतना आप नहीं कर पाओगे कि एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्योंकि वो वैलिडेशन रूल का पार्ट है, बट आप इतना बना लीजिए एक बार, ट्राई करना उसको, ठीक है। कम्प्लीट वो तभी हो पाएगा जब आप लोग वैलिडेशन रूल पढ़ेंगे। इतना क्लियर है सब लोगों को? तो ये इनपुट मास्क अपना कंप्लीट हो गया। यस कामरान, पासवर्ड विद एस्ट्रिक सिंबल, मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। आप स्पेशल सिंबल्स भी ले सकते हो, आपको जो मैंने पिक्चर शेयर की है उसके अंदर है सब चीजों की एंट्री के लिए। वैलिडेशन रूल जो प्रॉपर्टी है आपके एक्सेस को स्मार्ट बनाती है, मैं बोलती हूँ स्मार्ट इन द सेंस कुछ भी एंट्री आ रही है तो ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे एक्सेल है, एक्सेल में भी तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, और ये क्वेश्चन किया भी था किसी स्टूडेंट ने कि हम एक्सेल और एक्सेस में डिफरेंस क्या है, वहां पर भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, फिल्टर वगैरह वहां पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर क्वेरीज चलती है, एक ही चीज है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है कुछ यहाँ पर वैलिडेशन रूल जैसी, फॉर्म रिपोर्ट जो ऑप्शंस अपने, ये स्मार्ट बनाते हैं एक्सेल को, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं ओवर एक्सेल, ठीक है। अब ये होते क्या है कि वैलिडेशन का मतलब कोई चीज वैलिड है या फिर नहीं है, उसका उसको पास करना है या फिर नहीं है। तो वैलिडेशन रूल यानी कि किस एंट्री को लेना है और किस एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना है, बैन करना है और उसको नहीं एक्सेप्ट करना है, ये चीज सेट होती है हमारी इस प्रॉपर्टी से। अभी तक हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ी है इसके अंदर जिसके हमने पढ़ा हो कि एंट्री अगर यूजर ये नहीं करेगा तो क्या होगा, वो तो हम सिंपल रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड वगैरह हमने यूज। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यूजर क्या एंटर कर रहा है उसके बेस पर वो एंट्री वैलिड है या फिर नहीं, इसके अंदर की हर एक डिटेल को हम देखेंगे एंट्री की। उसके बेस पर अगर यूजर ने हमारे वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो हम उसको आगे पास करेंगे, और अदरवाइज हम उसको वहीं पर मैसेज शो कर देंगे कि योर एंट्री इज इनवैलिड, यू हैव टू एंटर राइट इंफॉर्मेशन या वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब एंटर करते हो किसी फॉर्म फिल कर रहे हो कुछ, और उसमें जैसे आपने अपना ईमेल आईडी डाला और उसमें @gmail या कुछ लिखा ही नहीं, तो वहीं पर बोल देता है इनवैलिड एंट्री। या बहुत सारे ऐसे फील होते हैं जहां पर वो आपकी एंट्री के बाद उस टेक्स्ट को वहीं पर चेक कर लेता है, और नेक्स्ट करने से पहले या सबमिट करने से पहले वहां पर उसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता है और आपको मैसेज भी शो कर देता है कि भाई आपकी गलती क्या है, आपको यहाँ पर वैलिड एंट्री डालनी पड़ी। तो दैट इज द वैलिडेशन रूल जो उसके बैक पे काम कर रहे हैं उस एंट्री के बैक, करेक्ट। तो वो चीजें अब हम यहाँ पर सीखने वाले, तो PPT के थ्रू पहले उसके रूल्स रेगुलेशन हम लोग समझेंगे, उसके लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होगी वो समझेंगे, देन हम वैलिडेशन रूल। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग वैलिडेशन रूल पर। तो सबसे पहले तो अपने पास जो वैलिडेशन रूल है, those are of two types, field level validation and record level validation. Field level and record. अब इसका मीनिंग अच्छे से समझ लो कि दो अलग अलग टाइप के वैलिडेशन है अपने पास,
फील्ड लेवल का मतलब होता है, जैसे सपोज अपने पास ये एक टेबल है यहाँ पर, ओके, इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं अपने, ओके, ये फील्ड है आईडी का, यूजर की जो भी एम्प्लॉय की जो भी आईडी है उसका, और ये फील्ड है सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ का, ये फील्ड है डेट ऑफ जॉइनिंग डीओजी, और ये फील्ड है उसके एक्सपीरियंस का, कितने साल हो गए उसका एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में काम करते हुए, ओके। तो ये कुछ फील्ड है, एम्प्लॉय की आईडी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग और उसका एक्सपीरियंस, करेक्ट। अब इसके अंदर सपोज एंट्री हो रही है यहाँ पर, तो आपने जस्ट नंबर डेटा टाइप ले लिया और आप यहाँ पर काम कर रहे हो, नंबर डेटा टाइप लेने के बाद आप यहाँ पर एंट्रीज करते जा रहे हो। यहाँ पर हमने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, लेट सपोज हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया हुआ है और यूनिक एंट्रीज आते जा रही है, कोई वैलिडेशन रूल नहीं है, ठीक है, नो वैलिडेशन। अब हम डेट ऑफ बर्थ पर आ गए, डेट ऑफ बर्थ पे हमने एक वैलिडेशन रूल लगाया हुआ है कि भाई यूजर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होना चाहिए, आज की डेट जो मतलब या फ्यूचर की जो डेट्स हैं उनसे कम ही होना चाहिए, करेक्ट। आप किसी पर्सन की, आने वाले पर्सन की जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते कि उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, राइट। हम आज तक के इस टाइम तक जो पर्सन आए होंगे, जो बच्चे आए होंगे दुनिया में, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, किस डेट पे उनका बर्थ हुआ है। तो यूजर कहीं गलती से कोई फ्यूचर डेट ना डाल दे डेट ऑफ बर्थ में, भाई 2022 की डेट डाल दे, तो डेट तो डाल देगा वो, लेकिन अगर हमने वहां पर कुछ भी वैलिडेशन रूल नहीं लगाया है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, एक्सेस एक्सेप्ट भी कर लेगा, करेक्ट। जैसे हम यहाँ पर अपनी टेबल में आते हैं, हम अपने टेबल पर आ जाते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल थी एक, तो इस पे भी हमने देखो डेट ऑफ बर्थ फील्ड दिया है, तो इस डेट ऑफ बर्थ फील्ड को मैं कुछ एंट्री देती हूँ, ठीक है। सपोज एक एम्प्लॉय आया, अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने कहा कि September 2021, तो September 2021 अभी आया ही नहीं, वो डेट फ्यूचर डेट है आएगी, तो मैंने किसी एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें वो एंट्री कर दी जो कि हो ही नहीं सकती, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना। फ्यूचर डेट आप बता दो किसी एम्प्लॉय की और फिर जो आया ही नहीं वो अपना एम्प्लॉय हो कैसे सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये एंट्री हमको पता है कि इनवैलिड है, बट क्योंकि हमने इसके बैकएंड पे कुछ भी रूल्स रेगुलेशन लगाए नहीं है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसको कुछ नहीं पता है, इसको जस्ट हमारी कमांड पे काम कर रहा है। तो हमें इस पे एक वैलिडेशन रूल लगाना पड़ेगा इस फील्ड पर, दिस इज वन फील्ड ऑफ दिस एंटायर टेबल या रिकॉर्ड सेट, ये एक फील्ड है, तो मैं इस फील्ड पर एक वैलिडेशन रूल लगाऊंगी, कहाँ पर, अपना डीओबी जो मेरा है इसमें वैलिडेशन रूल लगाऊंगी कि यूजर जो भी एंट्री करेगा वो एंट्री शुड बी ग्रेटर देन दैट डेट शुड बी ग्रेटर देन करेंट डे, सॉरी लेस देन द करेंट डे, लेस देन का मतलब पिछली डेट होनी चाहिए, फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैलिडेशन रूल अप्लाई किया है कि यहाँ पर जो भी डेट आएगी वो करेंट डेट, ठीक है, सिस्टम की जो करेंट डेट होगी उससे लेस होनी चाहिए। लेस का मतलब आज अगर आपका 19 है तो वो 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 20 हो जाए, करेंट डेट से बड़ी डेट हो जाए, ठीक है, सेम ईयर पे बड़ी हो जाए। तो हमने एक छोटा सा रूल लगाया दैट डीओबी फील्ड वैल्यू शुड बी लेस देन द करेंट डेट। तो ये रूल लगाते ही क्या होगा, जब यूजर एंट्री करेगा
और फ्यूचर की कोई डेट डालेगा तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, बिकॉज जो डेट उसने डाली है दैट इज ग्रेटर देन द करेंट डेट। वो करते ही ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसमें होता है क्या है, अगर जो वैलिडेशन रूल हमने लगाया है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उस एंट्री को ले लेंगे, और अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो उस एंट्री को मना कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या रूल कैसे लगाते हैं हम यहाँ पर, वो तो सिंटेक्स वगैरह में बाद में बताऊंगी, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम एक फील्ड पर कुछ वैलिडेशन रूल लगाने वाले हैं, उस वैलिडेशन रूल के अंदर के बेस पर एंट्री एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। यस, सो दिस इज कॉल्ड फील्ड लेवल वैलिडेशन। फील्ड लेवल क्यों बोला, क्योंकि हमको ये वैलिडेशन लगाने में किसी दूसरे फील्ड की जरूरत नहीं पड़ी, अपने टेबल या किसी और टेबल के दूसरे फील्ड की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा काम इस फील्ड की डीओबी से ही चल गया, बाकी जो करेंट डेट है दैट इज अ स्टैटिक वैल्यू, वो कोई किसी फील्ड की वैल्यू हमने नहीं। ओके, तो फील्ड लेवल वैलिडेशन बोलते हैं जब हमारा जो वैलिडेशन रूल है वो जस्ट उसी फील्ड के डेटा को यूज कर रहा होता है जिसके अंदर की वो वैलिडेशन रूल लगा है, उस टेबल के किसी और फील्ड की वैल्यू को वो यूज नहीं कर रहा होता है। ओके, उस टेबल के किसी और फील्ड को वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, अपने आप में सफिशियंट है वैलिडेशन रूल लगाने के लिए, उसको दूसरे फील्ड की जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड फील्ड लेवल वैलिडेशन। हैंड रेज हुआ है ये चिराग। तो मैम जैसे हम कोई भी डेट दे सकते हैं ना, जैसे मैं चाहूँ कि वो 18 साल से बड़ा ही होना चाहिए, तो मैं जैसे मैम ईयर एक दे दूँ, जैसे 2002 से बड़ा होना चाहिए, उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए डेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ। ऐसे दे सकते हैं मैम कोई भी, जैसे अपन डेट देना चाहें। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा इसको। उसमें आप अपने जो डे और ईयर वाले फंक्शंस पढ़े थे वो सब यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई एम्प्लॉय है 18 अबव भी होना चाहिए, तो वो 18 अबव चेक करना पड़ेगा हमको उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर, कि वो आज की डेट और उसके डीओबी के अकॉर्डिंग वो क्या 18 ईयर का है या फिर नहीं, राइट। तो वो भी हो सकता है, अभी जिस मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया करेंट डेट से छुट्टी होनी चाहिए डेट, तो वो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था इसका। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड लेवल वैलिडेशन, कि हमने एक ही फील्ड के अंदर उसकी काम हो गया, हमने वैलिडेशन रूल लगाया कि भाई ये जो डीओबी है इसके अंदर जो भी एंट्री हो दैट शुड बी लेस देन द करेंट, ठीक है, करेंट डेट से छोटा होना चाहिए। अब करेंट डेट के लिए अपने पास सिंपल फंक्शंस होते हैं तो हम वो लगा, बट इस वैलिडेशन रूल में क्या मैंने किसी और फील्ड को यूज किया है इस टेबल के, नहीं किया, करेक्ट। इस फील्ड पे मैंने वैलिडेशन लगाया तो सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड को मैंने इसमें यूज किया, बाकी मेरे जो वैल्यूज हैं वो स्टैटिक वैल्यूज हैं, वो कहीं से भी आ रही है बट इस टेबल के किसी अदर फील्ड से नहीं आ रही, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड लेवल वैलिडेशन। दूसरा होता है आपका रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन। रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन वो वैलिडेशन होते हैं जिसमें कि हम एक टेबल के मोर देन वन फील्ड यूज करते हैं इन मेकिंग अ वैलिडेशन रूल, जैसे कि एज ही हो गया, या फिर क्या कर सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस जैसे। तो एक्सपीरियंस के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपीरियंस कैसे पता चलेगा यूजर का, डेट ऑफ जॉइनिंग माइनस करेंट डेट माइनस डेट ऑफ जॉइनिंग, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सपोज हमको कुछ ऐसा वैलिडेशन लगाना हो जिसमें कि हमें मोर देन वन फील्ड एक साथ यूज करने हो,
जैसे कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल इसमें जिसमें कि हमें दो फील्ड की जरूरत पड़े, इसमें तो करेंटली अभी आई थिंक हम डेट ऑफ जॉइनिंग तो डायरेक्टली डालेंगे, डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ बर्थ के मिक्स से कुछ बना सकते हैं यहाँ पर, नहीं बना सकते राइट। अगर उसकी एज निकालनी हो तो हम करेंट डेट से सीधे डेट ऑफ बर्थ माइनस करेंगे, उसमें भी एक ही फील्ड यूज हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा वैलिडेशन रूल कहीं पर जरूरत पड़े और बहुत जगह यूज पड़ेगा अपने, ठीक है, जहाँ पर कि हम मल्टीपल वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज अपने पास एक टेबल हो, ठीक है, इस टेबल में किसी स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स हमने दिए हुए, ठीक है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड वन टू, एंड सपोज हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वो पास है स्टूडेंट या फिर नहीं, ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, अपना क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर सब्जेक्ट वन और टू के मार्क्स मिल करके आपके 50 अबव होते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आए पास, अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ आए फेल, ठीक है, हम ये चाहते हैं लेट्स सपोज। तो यहाँ पर जो वैलिडेशन लगेगा, ठीक है, वैलिडेशन अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं पास, तो वो चेक करेगा कि क्या सब्जेक्ट वन में जो एंट्री है, सर वो जिसके फर्स्ट सब्जेक्ट में आए मार्क्स 30 और इस सब्जेक्ट में भी 30 आए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये स्टूडेंट अपना पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या क्राइटेरिया लगाएंगे, वैलिडेशन रूल क्या लगाएंगे कि सब्जेक्ट वन प्लस टू should be greater than or equals to 50, यही लिखेंगे, करेक्ट। तो अगर स्टूडेंट के सब्जेक्ट नंबर वन में और सब्जेक्ट नंबर टू में के दोनों का सम ग्रेटर देन होता है 50 के, तभी यहाँ पर आप P लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर F लिखोगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने जो वैलिडेशन रूल बनाया है, लगाया है, उसके अंदर हमने कितने फील्ड्स को यूज किया है, मोर देन वन फील्ड को यूज किया, एस वन को और एस टू को दोनों को यूज किया, तब जाकर के अपना ये वाला वैलिडेशन रूल बन पाया। तो ऐसे वैलिडेशन जिसके अंदर की हम किसी टेबल के मल्टीपल फील्ड को यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन, ओके। ये जस्ट टाइप थे, इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी करेंगे जब हम आगे, अभी इसके अंदर अभी हमारा, हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, कंडीशंस इफ वगैरह और जो भी आपके ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो सब पढ़ेंगे, देन हम इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो वहां पर फील्ड लेवल वैलिडेशन और रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन दोनों टाइप के एग्जांपल। इतना क्लियर है आज के लिए कि फील्ड लेवल वैलिडेशन क्या होता है और रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन क्या होता है? इसमें कोई क्वेरी है किसी को भी तो पूछ लीजिए, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।